Hello everyone, my name is Raj and I have been teaching economics to the students of class 11th and 12th of both ICSE and CBSE from past 2 years. So I thought why not use this platform to share my knowledge with you all. Guys, economics subject ko samajhna kafi zyada relevant hai academics ke point of view se as well as day to day life mein. Academics mein important isliye hai because hume wahan pe marks score karna hai. एंड डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी न्यूज में देखते हो कि इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हो गई है या फिर इंडिया की जीडीपी डिक्रीज हो गई है, तो जीडीपी को समझने के लिए हमें जीडीपी का मतलब समझना पड़ेगा. एंड हियर कम्स इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स हमें ऐसे बहुत सारे रेलेवेंट एग्जाम्पल हैं जहां हमें हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में चीजों को बहुत और सिंप्लीफाई करके समझने में. अब इस वीडियो में हमें समझना है क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, हम लोग वो समझ लेते हैं फिलहाल इस वीडियो. अब क्लास 12 में टोटल जो आपका थ्योरी पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो 20 मार्क्स और 80 मार्क्स में सब डिवाइडेड रहता है. 80 मार्क्स में आपको आपका थ्योरी पेपर देना होगा, रिटन एग्जाम जो 3 घंटे का होगा, एंड 20 मार्क्स में आपको प्रैक्टिकल प्लस वाइवा के आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे. अब जो 80 मार्क्स का पेपर होगा फर्दर वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, 80 इंडियन इकोनॉमिक्स वो भी 40 मार्क्स ईच. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूनिट 1 व्हिच इज नेशनल इनकम एंड व्हिच इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग आगे और भी ज्यादा चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. थैंक यू सो मच.